एक कलाम हो जाए, आप माइक ले लीजिए और आइए नाजरीन सुनते हैं मोहतरमा नूरा लाल से नात शरीफ जो आप जी पढ़ेंगे। हैं पढ़ने जा रही हूँ।
अली मौला अली मौला अली दम दम, और इतना खूबसूरत पढ़ा नूरा लाल जी ने। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे कल की ट्रांसमिशन जो है मौला अली के हवाले से एक ख़ास ट्रांसमिशन होने जा रही है, और कल रिकतमेज मनाजिर भी देखने वाले होंगे आप। कल सब लोगों को इसी तरह हमारे साथ रहना होगा। नूरा जी, ये नई जो आपने नातें बनाई हैं सारी कंपोज की हैं, ये एल्बम की सूरत में आप लाएंगे या? जी नहीं, चैनल पे मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है और इंशाल्लाह आ चुकी है। लोगों को माशाल्लाह लोगों ने देखा है, बहुत सराहा है और फीडबैक बहुत अच्छी आ रही है और बड़ी मेहनत की है और इंशाल्लाह सुनाऊंगी तो आप सब बैठे हुए माशाल्लाह तो फिर पता चले। फैमिली के बारे में बताएं, माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। आप ही के और हम सारों के मैंने पूछने? हाँ जी मेरे ही। कितने बेटे कितनी? क्योंकि मुझे पता है जब हम इकट्ठे इंटरनेशनल टूर्स पर जाते हैं तो आप बहुत सारी चॉकलेट ले रही होती हो और बड़ी महंगी महंगी फ्रॉक और ये चीजें। हमेशा बच्चों की शॉपिंग में मैं बिल्कुल कम्प्रोमाइज नहीं करती, खुल के शॉपिंग करती हूँ। जब कमाना ही बच्चों के लिए तो फिर उनके लिए तो अच्छी चीज। घर में खाना कौन बनाता है? मैं ही बनाती हूँ। तो आप जब अपनी मसरूफियत में होती हो तब मैं मशवरा दे देती हूँ कि भाई ये डालना है, ये मिर्ची इतनी डालनी है, जैसे मसाले इतने डालने और ऐसे बना लेना। बट साहब आपसे फरमाइश करके खाना कभी बनवाते? बहुत सी फरमाइश है, वो खुद भी कुक है बहुत अच्छी, वो मुझे बना के देती। ठीक है, जब हम आएंगे तो हम फिर उनके हाथ का ही खाएंगे। चलना चाहिए कंप्रोमाइज करके, कभी वो बना लेते कभी मैं बना लेती हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई औरत ही हर ही बनाए और घर का काम करे, हस्बैंड को भी चाहिए कि साथ देना। माइक ले लीजिए जरा आप इनसे। जी जी अब्बास भाई, कोई सोना जा कलाम जिस तरह तुसी मेले ठेलियां सुनांदे हो जाके जी बिस्मिल्लाह, बिना म्यूजिक दे। जी जी बिस्मिल्लाह, मैं चाहूंगा कि सब तो पहले उस हस्ती दा जिक्र कीता जाए जिहड़ी माइक मुंह के पास पूरी कायनात दा जिला मालिक है। उन्होंने एक दो शेर में बल्कि एक शेर जिहड़ा मैनूं अपना मियां साहब दा भी याद आ रहा है, पीर वारिस शाह सरकार दा, वो भी जिन्हें भैणां भाई सुन रहे उन्हां वास्ते कहना। जी 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 प्लीज सुनाओ। उहदे तों स्टार्ट लेना चाहूंगा क्योंकि ये काबिले गौर। अल्फ एक यारी सच्चे रब वाली ते होर यारियां सब खवारियां कलमे पाक जाना विर्द कोई हो ते जिस दे विच हकीकतां ओए सारियां आने गौस पाक जाना पीर कोई ते जिन्ना डुब दिया बेड़िया तारियां वारस शामियां करन माज रोजा नहीं ते अगे मुसीबतां ओए पारियां। बहुत शुक्रिया। ये ते एक हकीकत है और मेरी जिला खसूसी तौर ते गुजारिश है कि जिन्हें भैणां भाई सब अपने घर च बैठे साडा प्रोग्राम देख रहे ने, इस गल ते अमल करो क्योंकि हकीकत है वे दीप भाई कि असीं झूठी दुनिया च आ के असली दुनिया नूं भुल गए हां, क्योंकि असीं अल्लाह दे कोल जाणा है, सब ने वारी वारी जाणा है और उत्थे जाके मुंह विखाणा है। ते मैं हुण अपना अल्लाह पाक दे हवाले नाल एक दो शेर जिन्हां पेश करने चाह रहा क्योंकि सारिआं दी इजाजत नाल मतलब बेबी जेन च रखना है कि असीं जट आ ते जिहड़ी नात है ओह ते फिर क्या बात है। कुलाजी साहब ने नात पढ़ी जी। बिस्मिल्लाह करो। पढ़िया करां अल्लाहू, पढ़िया करां अल्लाहू,
करके मदीने वाल मेनू काबा दिसना है तू कदी कोल बुला ले तू मेरे मन विच वसना है तू ए कलमा पढ़ाया मेनू तू मैं हर दम पढ़िया करां पढ़िया करां अल्लाहू मैं हर दम पढ़िया करां अल्लाहू मैं हर दम पढ़िया करां अल्लाहू पढ़ बिस्मिल्ला चरखा डाया पीर अमीर दे मैं दर ते आया पढ़ बिस्मिल्ला चरखा डाया पीर अमीर दे मैं दर ते आया दिल दा हाल मैं खोल सुनाया दिल दा हाल मैं खोल सुनाया मौला अली करम कुमाया अल्लाह मेल मोहम्मद तू पढ़िया करा अल्लाहू मैं हर दम पढ़िया करा अल्लाहू पढ़िया करा अल्लाहू मैं हर दम पढ़िया करा अल्लाहू ए चरखे दा बैर पुराना नबी पाक दे दर ते जाना ए चरखे दा बैर पुराना नबी पाक दे दर ते जाना जख्मी सीना खोल वखाना जख्मी सीना खोल वखाना आका ने अगों करम कुमाना अल्लाह मेल मोहम्मद तू पढ़िया करा अल्लाहू मैं हर दम पढ़िया करा अल्लाहू पढ़िया करा अल्लाहू मैं हर दम पढ़िया करा अल्लाहू पढ़ बिस्मिल्ला चरखा डाया पीर अमीर दे मैं दर ते आया दिल दा हाल मैं खोल सुनाया मौला अली करम कुमाया अल्लाह मेल मोहम्मद तू पढ़िया करा अल्लाहू मैं हर दम पढ़िया करा अल्लाहू करके मदीने वाल मूं मैनू काबा दिसना है तू कदी कोल बुला ले तू कदी दुखड़े सुन मेरे तू ए कलमा पढ़ाया मैनू तू मैं हर दम पढ़िया करां पढ़िया करा अल्लाहू मैं हर दम पढ़िया करा अल्लाहू मैं हर दम पढ़िया करा अल्लाहू मैं हर दम पढ़िया करा अल्लाहू बहुत ही अच्छा अंदाज के बहुत अच्छे मालिक हैं बहुत ही अच्छा जी साहब और बड़ा कैसा सुनाया इन्होंने माशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका सारी हस्तियां बैठिया ने अब अख्तर भाई आप सुनाए कुछ चीज अब अख्तर भाई आप सुनाए कुछ चीज बिस्मिल्लाह करे दिल भाई ये दिल और एक मेरी जड़ी खुसूसी गुजारिश है सारे नु नाल ला के तैयार रहना कलाम सुनाने वास्ते और सारा जी ने भी तैयार रहना क्योंकि ऐसी सब आपस फैमिली इकट्ठे हुए और एदा ना ही जिंदगी है कि दूजे नु अपना खुशियां मंड लिया और जेडे लोगों नु अल्लाह ताला ने यानी कि वाफर रिज़क देता है उन आगे मेरी गुजारिश है जेडे वेख रहे ने हाथ बन के अपना जेडे लोग माड़े ने उन्हां दा जरूर ख्याल करो क्योंकि इंसान दुनिया दे उत्ते आया है ते कुछ नहीं लेके आया और याद रखो कि उन्हें जान लग्या भी कुछ नहीं लेके जाना और मैं यही कहूंगा कि फारूकी साहब ने भी आज नात पढ़नी है उन्होंने भी इतना